हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपन किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुजरात की फेमस श्रीखंड की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और सबसे बड़ी बात कि इसे बनाने के लिए हमें जिस भी सामान की जरूरत है वो आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा। तो इसे आप खाने के साथ मिठाई की जगह दे सकते हैं या फिर आप इसे सिंपल भी सर्व कर सकते हैं। तो इसे बनाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अब हम फटाफट से श्रीखंड बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दही लिया है। इसके लिए हमें ताजा दही ही लेना है। मैंने यहाँ पर आधा किलो दूध का दही जमा दिया था। कोशिश कीजिए कि जब भी हम श्रीखंड के लिए दही जमाएं तो दूध में पानी न डालें, लेकिन जो मेरा ये दही है उसमें पानी डला हुआ है। तो उसके बाद हम इस तरह से एक छलनी लेंगे और उस पर कोई भी कपड़ा रख देंगे जिससे उसका पानी अच्छे से निकल जाए और उसमें हम डालेंगे दही। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी दही डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज्यादा कर लें। और उसके बाद हम इस तरह से कपड़े को उठाकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के लिए हम इसे इस डाली पर भी रख सकते हैं या फिर कहीं पर भी आप इसे टांग सकते हैं। तो इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ना है। आप इस तरह जाली पर रख के इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं जिससे आपका दही खट्टा ना हो। 3 घंटे बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे दही में से सारा पानी अलग हो चुका है और आप देखेंगे कि जो दही है वो कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इसी तरह से हमें दही को अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। श्रीखंड बनाने के लिए हम दही को किसी एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और ध्यान रहे हमें जो बाउल है वो उतना बड़ा लेना है कि हम उसे उसमें चीनी डालकर इसे अच्छे से फेंट सकें। तो यहाँ पर हमने सारे दही को इसमें डाल दिया है। अब दही डालने के बाद हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। दही को हम लगातार फेंटते हुए एक क्रीमी टेक्सचर में, जब तक हमारा दही क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए तब तक आप उसे फेंट लें। फेंटने में हमें 1 मिनट का टाइम लगेगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया और इसमें से हम 2 से 3 बूंद इसमें डालेंगे, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज आप श्रीखंड को व्हाइट कलर में भी बना सकते हैं और कलर की जगह आप केसर भी ले सकते हैं। केसर को थोड़ा सा दूध में भिगोकर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा दही है वो बिल्कुल क्रीमी दिख रहा है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैंने यहाँ पर शुगर को पीस लिया है, जार में डाल के सिंपल उसे पीस लें और उसके बाद इसमें ऐड करें। तो यहाँ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून शुगर डाला है। आप शुगर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लें। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो थोड़ा सा और डाल दें, या फिर आपका दही खट्टा है तो भी आप इसमें थोड़ी सी शुगर एक्स्ट्रा डाल दें। उसके बाद हमने शुगर को भी यहाँ मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर बादाम, काजू, पिस्ता लिए, इन्हें छोटा छोटा काट लिया है और वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और ड्राई फ्रूट्स में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें आप अखरोट डाल सकते हैं और किशमिश भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें नीचे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और उसके ऊपर मैं इसमें श्रीखंड डाल रही हूँ और श्रीखंड के ऊपर से भी मैं थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐसा करें, अदरवाइज आप सिंपल श्रीखंड एक बाउल में डालें और ऊपर से हल्का सा ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप श्रीखंड सर्व करें ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, यानी कि आप श्रीखंड बना के फ्रिज में रख दें और जब भी आपको इसे सर्व करना हो बाहर निकालें, बाउल में डालें, ऊपर से हल्का सा डेकोरेट करें और सर्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।